7 महीने की गर्भवती महिला को जिस ऑयल टैंकर के चालक द्वारा टक्कर मारी गई थी, वो शख्स, वो चालक जो है वो पुलिस के हाथे अब चढ़ गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक चढ़ समाचार से। 7 महीने की गर्भवती महिला को जिस ऑयल टैंकर के चालक द्वारा टक्कर मारी गई थी, जो ऑयल टैंकर लेकर फरार भी हो गया था, चालक फरार भी हो गया था, और उस 7 महीने की गर्भवती महिला की मौत हो गई थी, वो शख्स, वो चालक जो है वो पुलिस के हाथे अब चढ़ गया है। उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखें आप चालक, ये वो चालक है। ये शख्स जो था, इसने उस महिला को टक्कर मारी थी और टक्कर मारने के बाद ये शख्स जो था वो फरार हो गया था। और महिला, हम आपको बताएं, 7 महीने की गर्भवती थी, 7 महीने की गर्भवती थी। इसकी विस्तार से आपको जानकारी देंगे हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज एडिटर गोविंद चौहान। गोविंद जी, अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो ऑयल टैंकर का चालक पुलिस के हाथ से चढ़ा है, कैसे चढ़ा है, क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए, 2 दिन पहले रिहाड़ी इलाके में एक दुर्घटना हो गई थी जी। मोहम्मद हनीफ जो नरवाल का रहने वाला, वो अपनी पत्नी नुसरत फातिमा के साथ जा रहा था। उसे एक ऑयल टैंकर अपने मोटरसाइकिल पे थी जी। उनके मोटरसाइकिल का नंबर था JK02CB9298। इनको एक ऑयल टैंकर ने टक्कर मारी थी, उसके बाद ऑयल टैंकर मौके से फरार हो गया था। दोनों को अस्पताल में लेके जाया गया था, जहाँ पे वो महिला जो कि 7 महीने की गर्भवती थी, उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी जी। उसके बाद पुलिस ने FIR नंबर 22 में मामला दर्ज किया था पकड़ा पुलिस स्टेशन में जी। एक दुर्घटना दर्दनाक थी, उसके बाद पुलिस की तरफ से मामला दर्ज करने के बाद चालक की पहचान और उसे गिरफ्तार करने का प्रयास शुरू कर दिया गया था जी। इलाके सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसके बाद पुलिस ने उस अकीम को, उस टैंकर के चालक को पकड़ लिया। उसकी पहचान मोहम्मद अमीन साना मोहम्मद दीन आरो काकोट रजौरी के रूप में हुई है। अच्छा, ये पुलिस के हाथों चढ़ा कहां से है? इसको सीसीटीवी से खंगाल के रूट मैप को देखा गया, कहां से कहां गया था, उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया। अच्छा, इसका जो टैंकर था JK02DF2305 सीज कर लिया गया। तो जानबूझ के इसने टक्कर मारी थी कि टक्कर लग गई थी, नशे में था? नहीं, नशे में भी नहीं था। देखिए, दुर्घटना हुई थी, अब पुलिस इस कार किसके कारणों की जांच कर रही है कि किस तकनीकी गलती या किस गलती के कारण दुर्घटना हुई थी, अब उस बारे में जांच चल रही है। अच्छा जी, इसके अलावा कोई और जानकारी? अभी देखिए, यह मामला जो है 200 मामला दर्ज कर लिया गया है। 279-304A के तहत दुर्घटना में कोई मरता है तो 279 को लगता है, और कोई मर जाए तो 304A लग जाता है। तो उस मामले में मामला दर्ज कर लिया गया, जांच चल रही है, उसके बाद ही बाकी बातों का पता चलेगा। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए, शुक्रिया। तो ये देखें, ये ऑयल टैंकर का चालक जो है वो पुलिस के हाथे चढ़ गया है। और जानकारी हम आपको दे दें कि आज से 1-2 दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी से, जहां पर ये दर्दनाक खबर हमने आपको बताई थी कि महिला 7 महीने की गर्भवती थी और वो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए सुबह 8-9 बजे के करीब घर से निकली थी। और जब वो क्लिनिक के बाहर बाइक लगा के वहाँ पर बाइक के साथ खड़ी थी, उसका पति क्लिनिक में गया हुआ था, तो उस दौरान एक ऑयल टैंकर उसे टक्कर मारकर वहाँ से फरार हो गया था। इस हादसे में उस महिला की मौत हो गई थी, वो 7 महीने की गर्भवती थी। सिर्फ महिला की मौत नहीं हुई, बल्कि साथ में ही उसके गर्भ में जो बच्चा था उसकी भी मौत हो गई थी। अब ये ऑयल टैंकर का चालक जो है वो पुलिस के हाथ से चढ़ा है। अब जानबूझ के इसने टक्कर मारी है या फिर दुर्घटनावश लग गई, ये सब जांच का विषय है, जांच होगी तो पता चलेगा। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत, नमस्कार।